तो नमस्कार, मैं बिंदेश कुमार माली दोस्तों, आपका अपना साथी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे, अभी फरवरी के मंथ में हमें कुछ अपने नींबू को अगर ईयर लेनिंग या कटिंग से या ग्राफ्टिंग करना हो, तो ये बहुत परफेक्ट महीना है, बहुत बढ़िया मौसम है। क्योंकि इस मौसम में दोस्तों ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 20 डिग्री के आसपास होता है। तो ऐसे मौसम में हमें कटिंग या ग्राफ्टिंग या हम ईयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अपने, देखिए मेरा गणराज का नींबू, ये गणराज का नींबू है और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं। इसकी वैरायटी जो है जल्दी से नर्सरी में मिलती नहीं है, क्योंकि ये कलकत्ता की वैरायटी होती है। कई बार हम नर्सरी पर जाते हैं पौधे लेने और गणराज नींबू के नाम से कह के लेते हैं, तो कई बार हमें मौसमी या नारंगी जो है पकड़ा देते हैं। कई बार हमें गुमराह कर दिया जाता है और पूरा पैसा दे के आते हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज़ मिल नहीं पाती है। या तो कोई विश्वासीय नर्सरी हो तो वहाँ से लाना है, या फिर अगर आपके किसी घर में यार दोस्त के पास गणराज नींबू है तो उसमें से आप कटिंग कर लें। तो साथियों, आज हम कटिंग करने का जो तरीका है, कटिंग से लगने का जो तरीका है ग्राफ्टिंग करने का, इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, गणराज नींबू की जो पहचान होती है, देखिए हल्का सा लंबा पत्ता होता है, इस प्रकार से चौड़ा पत्ता होता है, जिस तरह अपन मौसमी के पत्ते होते हैं उसी तरह से थोड़ा सा इसके मौसमी के पत्ते चिकने होते हैं, थोड़ा खुजरापन होता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो फूल होता है वो नीले कलर में, इसमें गुच्छे में फूल आते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसके अगर 100 फूल आए हैं तो उसमें से 80 कन्फर्म है कि फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये गणराज नींबू होता है, हल्का सा लंबा होता है और पूरा गुच्छे में फल देता है। इसके छिलके थोड़ा मोटे होते हैं लेकिन बहुत रसीला होता है, और इसका खाने का जो स्वाद है, इसके सब सारे नींबू से ज़्यादा इसके अंदर विटामिन पाया जाता है, और ये बहुत बढ़िया परफेक्ट वैरायटी होती है। इसको कई जगह लोग अचार भी डालते हैं, कई लोग इसको ऐसे भी खाते हैं। तो अगर आप नींबू लगाने की इच्छा रखते हैं तो एक बार गणराज नींबू जरूर लगाएं, आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे ना बढ़ाते हुए हम इसकी बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, सबसे पहले हमें एक तेज प्रकार तेज धार का चाकू ले लेना है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे पास देख लीजिए, ये है जो है मूस ग्रास, जिसको हम मूस ग्रास बोलते हैं, या फिर बर्मी कंपोस्ट, दोनों खाद मिला करके मूस ग्रास घास एक आती है उसको लेके, या फिर आप चाहें तो प्योर बर्मी कंपोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से मिट्टी वगैरह मिलाकर तैयार कर लेना है, और लेना है पोलोथीन। ये बिल्कुल सही और टिकाऊ तरीका बता रहा हूँ। ग्राफ्टिंग करने का 2 समय है, या तो फरवरी मार्च के लगते हैं, या फिर अगस्त के बाद भरी बरसातों में। तो अभी जो मौसम है बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से देख लीजिए, हमें इसको चारों तरफ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से चारों तरफ से दोस्तों हमें कटिंग कर लेना है इस प्रकार से, और इसको करीब 1/2 इंच यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से कटिंग करने के बाद इस हमें क्या करना है, इसके ऊपर के जो छिलके हैं इसको इस प्रकार से हमें पूरी तरह से उतार देना है। इसको उतारने से क्या होता है, हमारे जो पौधे हैं यहीं से अपनी खुराक, अपनी एनर्जी और अपना भोजन बनाना चालू कर देंगे। तो इसको आप आसानी के साथ में चारों तरफ से आप चाकू अथवा कटर के मदद से इस तरह से उतार देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सिस्टम हो गया तैयार। इसको अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें करना क्या है, ये हमारा वही जो मैंने अभी आपको बताया है, ये मूस ग्रास घास होती है, और इसको इस प्रकार से दोस्तों पूरी तरह से हमें चिपका देना है, क्योंकि यही प्रक्रिया नर्सरी वाले भी अपनाते हैं और आपको कटिंग से तैयार करके दे दिया जाता है पौधे। और इसको 35 से 40 दिन लगेंगे दोस्तों, पूरी तरह से जड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी तरह से इसमें जड़ बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप 15 से 20 फरवरी तक करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से, अभी इसका जो मौसम है वो बढ़िया है। तो इस प्रकार से कटिंग करके आप तैयार कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पॉलोथीन से पूरी तरह से इसको कवर कर देना है। पॉलोथीन से कवर करते ही पूरी तरह से इसको हम 35 से 40 दिन के लिए छोड़ देंगे, और पौधे को वहीं रखना है पूरी तरह सनलाइट में। इससे क्या होगा कि हमारे इसके जड़ें नई ग्रोथ निकल कर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, इस प्रकार से वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को पहली बार लाइक करना। प्रोफेसर यही था, अब इसको हम 40 दिन के बाद आपको दोबारा इसको रिजल्ट दिखाएंगे कि हमारा जो पौधे थे उसमें कैसे ग्रोथ बन के आई है, कैसे इसका शूट जड़ निकल कर आई है। तो 40 दिन के बाद इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और खूबसूरत सी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।